आलू का पराठा तो हम सबका फेवरेट होता है। मैक्सिमम लोगों को आलू के पराठे बनाते समय झंझट सा लगता है, क्योंकि आलू के पराठे बेलते समय स्टफिंग बाहर निकल आता है। तो आज मैं ऐसा तरीका लेके आई हूँ जो आपके आलू के पराठे बिल्कुल बनाते समय कभी भी नहीं फटेंगे और बिल्कुल झंझट भी नहीं लगेगा। इसमें देखिए बहुत ही सीक्रेट रेसिपी की तरह बताऊँगी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल आलू के पराठे बनाएंगे, बिल्कुल नरम एकदम सॉफ्ट। तो आप इसे बनाना हमेशा पसंद करेंगे बिल्कुल नए तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सीक्रेट मसाले के साथ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है 2 कप गेहूं का आटा, उसमें हम स्वाद अनुसार नमक और 2 चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसका हम डो तैयार करेंगे बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट, ज़्यादा हमें हार्ड बिल्कुल नहीं तैयार करना है। जब भी आप आलू के पराठे बनाएंगे ना, तो आप डो को एकदम सॉफ्ट रखिएगा, ज़्यादा इसे हार्ड बिल्कुल भी नहीं दिखती है। इसे एकदम नरम हमें अच्छे से सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। इससे हमारे आलू के पराठे बिल्कुल फटेंगे नहीं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने काफ़ी अच्छे से इसे तैयार कर लिया है। थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारा पराठा काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट तैयार हो। तो यहाँ पे देखिए कितने सॉफ्ट मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है। अब इसे कोई भी कपड़े से ढक देंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई ना होने पाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है लगभग 500 ग्राम आलू, इसे मैंने उबाल लिया था, इसका छिलका मैंने निकाल लिया है। अब इसे क्या करेंगे, आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, आज हम इसे मैश नहीं करेंगे, इसे करेंगे ग्रेटर से ग्रेट करने के लिए। तो ग्रेटर से ग्रेट करेंगे ना तो आपके आलू के पराठे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं, क्योंकि जब भी हम आलू के पराठे भरते हैं तो स्टफिंग हमारा बाहर निकल आता है। तो आप एक बार ग्रेटर से ग्रेट करके बनाइएगा, आपके आलू के पराठे बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल नए तरीके से बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब हम बनाएंगे इसमें सीक्रेट मसाला जो बहुत ज़्यादा फ्लेवर अच्छा देगा, आलू के पराठे में चांद चांद लगा देगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है 1/2 चम्मच सूखा धनिया, 1/2 चम्मच जीरा और 2 साबुत लाल मिर्च। इसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद इसे हम डाल देंगे मसाले में, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आलू का मसाला ज़्यादातर हम बनाते हैं डायरेक्टली बेसिक मसाले से, लेकिन एक बार ये ढाबा स्टाइल आलू के पराठे ज़रूर बनाकर देखिए। तो अब देखिए इसे मिक्सी के जार में हमें दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है, ज़्यादा इसे हमें पेस्ट नहीं तैयार कर लेना है। देख सकते हैं बिल्कुल दरदरा सा तैयार हो चुका है। तो चलिए फिर इसे हम साइड में रख देते हैं। अब इसे हम देखिए कढ़ाई रख लिया है, कढ़ाई में हम डाल देंगे लगभग 3 से 4 चम्मच ऑयल, ज़्यादा हमें ऑयल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे पंचफोरन। तो इसमें देखिए जीरा, सौंफ और मेथी और मंगरेल और सरसों है। जब अच्छे से हमारा भुन जाए ना, तो उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ले लिया है, इसे भी डाल देते हैं। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है आलू के पराठे में। साथ ही हम डाल देते हैं 2 से 3 हरी मिर्च, तीखे को अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं कम या ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए मैं ज़्यादा तीखा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे लोग को ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है। अब इसे हम आलू डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से स्टफिंग बनाएंगे ना, तो आपके आलू के पराठे कभी भी फटेंगे भी नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं हल्दी का पाउडर, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा अमचूर का पाउडर। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लिया है और थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड किया है। लास्ट में हम ऐड करेंगे, ये देखिए जो मैंने मसाला ऐड किया था, इसे 1/2 चम्मच हम ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब साथ ही हम स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर देते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मसाला हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा, बिल्कुल ढाबा स्टाइल हम बना रहे हैं। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया। जी हाँ फ्रेंड, हरा धनिया आप ज़्यादा डालिएगा, इससे आलू के पराठे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हरे धनिए से बहुत ही अच्छा टेस्ट इसलिए आता है क्योंकि फ्रेंड आलू के पराठे में ज़्यादा हरा धनिया पड़ना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो देख सकते हैं अब अच्छे से इसे हमें कर लेना है मिक्स। अब इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट बाद काफ़ी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा डो भी काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट था, मैंने ढककर रखा था ना, और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब मैं इसे तोड़ लेती हूँ। अब इसे देखिए मैं, अब जब रोटी बनाते हैं ना, तो रोटी से थोड़ा बड़ा ही बॉल्स लेने का, ज़्यादा हमें छोटा नहीं लेना है। तो इसे मीडियम साइज़ का अच्छे से बॉल्स ले लीजिए। तो आपको बड़ा छोटा जैसा आलू का पराठा बनाना हो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ का बना रही हूँ। अब चलिए इसे हम बेल लेते हैं, पहले हम चकले में तैयार कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा स्टफिंग आटा लगा लेंगे। अब इसे देखिए रोल करेंगे इस तरीके से,
तो इस तरीके से हम अच्छे से रोल करेंगे ना, तो स्टफिंग भरने के लिए काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब इसे हम भर लेंगे स्टफिंग। अब मन चाहा जितना भी स्टफिंग भरना हो भर सकते हैं, बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। बहुत आसान तरीके से आपके स्टफिंग वाले आलू के पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देख रहे हैं, इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है अंदर के प्रेस करते हुए, और साइड साइड फोल्ड जब अच्छे से हो जाए तो ऊपर का पार्ट जो भी एक्स्ट्रा निकले इसे हम निकाल लेंगे। इस तरीके से आलू के पराठे आप भर लेंगे। अब देखिए, अच्छे से थोड़ा सा हमें प्रेस कर लेना है। अब इसमें हम सूखा हुआ आटा लगा देंगे वापस से। देखिए, अब इसे लगा लेना है काफ़ी अच्छे से। लगाने के बाद इसे हम वापस से बेलकर तैयार करेंगे। इस तरीके से आपके आलू के पराठे कभी भी नहीं फटेंगे और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। देख सकते हैं, बेलने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी आपको, और बहुत ही सॉफ्ट आसान तरीके से पतला मोटा जैसा भी बनाना चाहें उसको ऑर्डरिंग आप बना सकते हैं। तो देख रहे हैं, जितना ढेर सारा मैंने स्टफिंग तैयार किया था थोड़े से भी फटे नहीं हैं। यहाँ पर मैंने तवा पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें हम डाल देते हैं, एक साइड जब थोड़ा सा सिक जाए तो इसे हम दूसरे साइड हम पलट लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की रेसिपी कैसी लग रही है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी मेरी कहाँ से देखी जा रही है प्लीज़ हमें वो भी बताइए ताकि हम आपको थैंक यू कर सकें। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, मेरे आलू के पराठे कितने ज़्यादा टेस्टी और परफेक्ट बनकर तैयार हो रहे हैं। एक बार मेरे तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए आप इसके दीवाने हो जाएंगे, इतना ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार होता है। बिल्कुल फुले फुले सॉफ्ट हमारे आलू के पराठे बनकर तैयार होते हैं। आप इसमें आप चाहे अमूल बटर लगा सकते हैं या फिर देसी घी या फिर रिफाइंड ऑयल, आपके पास जो भी हो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देसी घी लगाया है। इसी तरीके से देखिए, दूसरा पराठा भी मैंने बना के दिखा रही हूँ, फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं और देखिए बिल्कुल भी फटे नहीं हैं। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही मैं नए नए नाश्ते की रेसिपी, डिनर की रेसिपी आप लोगों के लिए लाते रहती हूँ, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हमारे काफ़ी अच्छे से टेम्प्टीन आलू के पराठे तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट, मुँह में घुल जाने वाली, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं ढाबा स्टाइल। तो यहाँ पे देखिए, सारे पराठे मैंने इसी तरीके से बना लिया है। तो चलिए फ्रेंड, अभी से हम सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारे गर्मा गर्म आलू के पराठे तैयार हो चुके हैं, देख सकते हैं कितने टेस्टी। इसे चाहे आप अचार के साथ, केचप के साथ खाएं या फिर दही के साथ, सारे चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने देखिए ढाबा स्टाइल बनाया है, तो इसके साथ अचार बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है, तो इसके साथ अचार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आज की मेरी आलू के पराठे की रेसिपी आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो ना तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बहुत ही मेहनत लगती है फ्रेंड, आपको लाइक करने में कुछ भी नहीं जाएगा, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।